हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th FMM फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे और इसका हम पार्ट 3 बना रहे हैं, जिसमें हम क्या टॉपिक शुरू करेंगे, व्हाट आर द प्रोडक्ट डील इन सिक्योरिटी इन सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिन बच्चों को मैथ्स पढ़नी है क्लास 10th की, वो मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और मैथ्स भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना FMM हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमें टॉपिक दिया है 4.2 प्रोडक्ट इन द सेकेंडरी मार्केट, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट को हम बाय सेल कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग किन प्रोडक्ट्स की हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है व्हाट आर द प्रोडक्ट डील इन सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उनमें हम कौन से प्रोडक्ट से डीलिंग करते हैं, यानी कि किन किन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं अपनी ट्रेड करते समय पे। तो यहाँ हमें दिया है फॉलोइंग आर द मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट डील इन द सेकेंडरी मार्केट विच मे बी डिवाइडेड ब्रॉडली इंटू शेयर एंड बॉन्ड्स, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं किसके लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, उन्हें हमने क्या करा है, ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि पहला है शेयर्स और दूसरा है बॉन्ड्स। तो शेयर और बॉन्ड्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सेकेंडरी मार्केट के प्रोडक्ट्स को। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों से हम अपनी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो पहला हमें दिया है शेयर्स, शेयर्स यहाँ पे हमें दे रखा है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर एन इक्विटी शेयर कॉमनली रेफर टू एज ऑर्डिनरी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर। तो शेयर्स क्या होता है, शेयर्स होता है हमारी कंपनी की स्मॉल यूनिट, और इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर हमारे वो शेयर होते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के कंपनी से इक्विटी शेयर खरीदता है और जितने भी परसेंट उसने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, उसका वो क्या हो जाता है, एक रियल ओनर हो जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर हमारा इक्विटी शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो उस कंपनी का रियल ओनर हो जाएगा जितने भी परसेंट उसने अपना इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। तो अगर आपने 10% शेयर खरीदे हैं तो आप उस कंपनी के 10% के ओनर हो गए। आगे में दिया है राइट इशू और राइट शेयर, यानी कि राइट इशू और राइट शेयर क्या होता है। तो यहाँ में दिया है द इशू ऑफ एन न्यू सिक्योरिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ रेशियो टू दोज ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्राइस, फॉर एग्जाम्पल A 2:3 ratio issue at ₹125 would entitle a shareholder to receive 2 shares for every 3 shares held at a price of ₹125 per share. तो राइट इशू क्या होता है, सबसे पहले राइट इशू हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अपने 3rd चैप्टर में प्राइमरी मार्केट में। राइट इशू हमारे वो इशू होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर को पहले से ही एक राइट दे देते हैं कि अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर हम अपने सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, यानी कि ट्रेड करेंगे फॉर कंपनी की इक्विटी को रेज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ही पहले हम अपनी शेयर्स हमें अपनी सिक्योरिटीज को ऑफर करेंगे। और राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर में जो भी सिक्योरिटी हमने कंपनी को या फिर पब्लिक में जो हमने सेल करने के लिए जो भी सिक्योरिटीज हमने निकाली होती है, उस राइट शेयर के तहत हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन इन्वेस्टर्स ने पहले ही कंपनी में क्या कर रखा होता है, अपने शेयर खरीद रखे होते हैं, शेयर राइट से हम क्या करते हैं, वो अगर हमें दोबारा अगर हम फर्स्ट टाइम हमने इन्वेस्टमेंट करवाई तो जो हमारे शेयर होल्डर्स बने उन्हें हम अपनी कंपनी में शेयर दे देंगे, और सेकेंड टाइम अगर हमें दोबारा से अपनी कंपनी की इक्विटी को रेज करना है, कंपनी की कैपिटल को बढ़ाना है, तो अगर हम फिर से सिक्योरिटीज को निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर हमारी कंपनी में है उन्हें एक बार ही हम राइट देते हैं कि अगर आप चाहो दोबारा से इन्वेस्ट करना तो आप हमारे इन न्यू सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और जितना भी शेयर उन्होंने पहले खरीदा होता है उसी शेयर के हिसाब से हम उन्हें अपनी सिक्योरिटीज को ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इन्वेस्टर ने 2:3 रेशो में किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदी है, यानी कि टोटल अगर 3 सिक्योरिटीज हैं उसमें से अगर उसने 2 खरीदी हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम सिक्योरिटीज को सेल करेंगे तो क्या होगा, उसमें से 3 सिक्योरिटीज में से 2 शेयर्स हम क्या करेंगे, पहले अपने जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे देंगे, और अगर वो नहीं खरीदता तब हम किसी और को उसे बेचने का सोचते हैं। तो राइट इशू में जो हमारे शेयर होल्डर्स पहले से होते हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, वापस से अपनी न्यू सिक्योरिटीज को देते हैं अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो। आगे में दिया है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है, बोनस मींस एक्स्ट्रा, तो इस एक बार इसे पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। बोनस शेयर मींस शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स
द शेयर होल्डर्स ओन, यानी कि जो बोनस शेयर होता है वो क्या होता है, वो हमारे वो वाले शेयर्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो इंसान जो इन्वेस्टर ने पहले से ही कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वह उस कंपनी का क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा। तो बोनस शेयर हमारा वो होता है जिसमें कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्री में ही क्या करती है, कुछ शेयर्स प्रोवाइड कराती है। अब जिस इंसान ने जिस हिसाब का शेयर खरीद रखा होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने 20% शेयर खरीदे हैं तो उसी के हिसाब से उसे फ्री में शेयर्स दिए जाएंगे। अगर कोई कम शेयर्स खरीदेगा तो उसे कम शेयर्स ऑफर करेंगे यानी कि कम शेयर्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई ज़्यादा शेयर्स हमारी कंपनी से इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, तो उसे बोनस में भी ज़्यादा शेयर ही मिलेंगे। तो बोनस मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जब फ्री में ही हमें यह मिल जाता है कंपनी के शेयर्स, जब हमें शेयर होल्डर्स को मिलते हैं तो वो होता है हमारा बोनस शेयर। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, तो इसे रीड कर लेते हैं। ओनर ऑफ दीज काइंड ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल टू अ फिक्स्ड डिविडेंड और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट टू बी पेड रेगुलरली बिफोर डिविडेंड कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, हमारे प्रेफरेंस शेयर हमारे वो शेयर होते हैं जिसमें इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है लेकिन उसके पास कोई राइट नहीं होता। उसे क्या होता है, एट द एंड यानी कि जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा होता है उसे लास्ट में उसे दे देते हैं और कह देते हैं कि आपका कोई राइट नहीं है, अगर कंपनी में किसी कहीं पे अगर हमें वोटिंग करनी है तो जो भी इंसान इक्विटी शेयर खरीदता है उसके पास क्या होता है, राइट होता है कि वो अगर इक्विटी शेयर खरीद रहा है तो अगर कंपनी में कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही है, कुछ डिसीजन लिया जा रहा है तो इक्विटी शेयर वाला अपना वोट दे सकता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ऐसे शेयर होते हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो लेकिन आपको कोई राइट नहीं मिलता, लेकिन एट लास्ट प्रॉफिट हो कंपनी को या लॉस हो, आपको जितनी अमाउंट आपको बता दी जाती है आपको उतनी अमाउंट आपको लास्ट में दे दी जाती है कि भले ही कंपनी का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, आपको लास्ट में एक अमाउंट हम आपको अच्छी खासी वो हम लास्ट में दे देते हैं, लेकिन आपको कोई भी राइट नहीं मिलता, तो वो होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे दे रखा है ओनर ऑफ दीज काइंड ऑफ शेयर आर एंटाइटल टू अ फिक्स्ड डिविडेंड, यानी कि जो ओनर होता है प्रेफरेंस शेयर के, यानी कि जो भी इंसान क्या करता है प्रेफरेंस शेयर को खरीदता है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो वो लोगों को कोई भी राइट नहीं होता है और वो क्या करते हैं, उनका एक फिक्स्ड डिविडेंड उन्हें लास्ट में दे दिया जाता है। फिक्स्ड डिविडेंड मतलब कि जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें से थोड़ा और ऐड करके, यानी कि थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट उन्हें लास्ट में एक फिक्स्ड डिविडेंड मतलब अमाउंट, तो उन्हें एट लास्ट में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो हमारा इन्वेस्टर है उसे दे दी जाती है। और आगे दिया है और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट टू बी पेड रेगुलरली बिफोर डिविडेंड टू बी कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर होते हैं अगर वो क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें जो अमाउंट है वो पहले दे दी जाती है, जितनी भी उनकी फिक्स्ड रेट अमाउंट है वो उन्हें पहले दे दी जाती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स में जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एकदम लास्ट में पैसा मिलता है। अगर उन्हें लॉस होगा तो उन्हें लॉस भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें प्रॉफिट होता है तो सारा प्रॉफिट भी फिर उन्हीं का होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में आपका कोई राइट नहीं है, बस लास्ट में आपको क्या करेंगे, एक अमाउंट आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट लास्ट में लाके आपको दे देंगे। तो यहाँ पे दिया है दे ऑल्सो एंजॉय प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन पेमेंट ऑफ सरप्लस, यानी कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या उन्हें क्या मिलते हैं, प्रायोरिटी वो एंजॉय करते हैं किस चीज़ की, कि जो हमारा इक्विटी शेयर होता है इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें एकदम लास्ट में जाके पैसा मिलता है। अगर लॉस होगा तो लॉस भी फेस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी फेस करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उन्हें अपना अमाउंट टाइम टू टाइम मिलती जाती है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का लॉस होगा या प्रॉफिट, उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके टाइम पे दे दी जाएगी। बट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन देयर क्लेम्स रैंक बिलो द क्लेम्स ऑफ द कंपनी क्रेडिटर बॉन्ड होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि जैसा भी मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर के पास कोई भी राइट नहीं होता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी में किसी डिसीजन को अगर हमें लेना है तो उनके क्लेम यानी कि उनकी बातों को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा, उनकी बातों को बहुत ही बिलो में रैंक किया जाएगा, यानी कि उनकी बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग अगर प्रेफरेंस शेयर में अपना अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो फिर उन्हें कोई भी उनकी बात पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। लेकिन अगर इक्विटी शेयर में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा डिसीजन मेकिंग हमारा इम्पोर्टेंट माना जाएगा। आगे हमें दे रखा है
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो इसे भी रीड कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड अक्यूमुलेट्स इफ रिमेन अनपेड, ऑल एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हैव टू बी पेड आउट बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इन्वेस्टर को पे करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से हम इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, उसका सारा जितना भी पैसा उसे इन्वेस्ट जितना भी पैसा हमें उसे पे करना था, अगर हम उसे टाइम टू टाइम पे नहीं करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। तो उसी तरह अगर हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले जो भी हमारा इन्वेस्टर है, अगर हम उसे इन्वेस्ट नहीं उसे पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो हमारे पास इकट्ठा होता रहेगा, और एक टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जितनी भी अमाउंट उसकी हमारे पास इकट्ठा हो गई है वो हमें उसे एक टाइम के बाद हमें उसे पे करनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड अक्यूमुलेट्स इफ रिमेन अनपेड, यानी कि हमारा जो डिविडेंड है यानी कि जो हमारी अमाउंट है, अगर हम उसे पे नहीं करते हैं टाइम टू टाइम इन्वेस्टर को, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी। एंड एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हैव टू बी पेड आउट बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इक्विटी शेयर्स वाले होल्डर्स को, यानी कि जो लोग इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टर हैं, उन्हें पे करने से पहले हमें किन्हें पे करना पड़ेगा, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर्स हैं। तो हम सबसे पहले किसे पे करते हैं, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर्स होते हैं। आगे हमें यहाँ पे दे रखा है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इसे भी रीड कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वेयर द डिविडेंड पेएबल ऑन द सेम अक्यूमुलेट इफ नॉट पेड आफ्टर अ स्पेसिफिक डेट दीज शेयर विल बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कि क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे अगर हम जो हमारा शेयर था, अगर हम उसे टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं अपने इन्वेस्टर को, तो वो होता है प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसे टाइम टू टाइम पे नहीं करते, अब अगर हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अगर हम बहुत टाइम तक अपना उसका जो भी हमारा इन्वेस्टर है उसका पैसा अपने पास ही रखती है कंपनी, तो क्या होगा, वो क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। यानी कि जितने टाइम तक वो अपने पास रखेगी, तो एक टाइम पे एक स्पेसिफिक डेट के बाद, यानी कि अगर आपने बहुत टाइम तक अपने इन्वेस्टर को पे नहीं किया, तो एक स्पेसिफिक डेट के बाद क्या होगा कि वो जो शेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी में। यानी कि हमारे वो प्रेफरेंस शेयर थे, लेकिन हमने क्या किया, कंपनी वालों ने पे नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा पैसा कंपनी वालों के पास इन्वेस्ट होता गया, यानी कि उनके पास इकट्ठा होता गया, और एक स्पेसिफिक डेट के बाद क्या होगा कि वो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर थे वो इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे एक स्पेसिफिक डेट के बाद। तो ये हमारे सारे शेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे कितने पार्ट्स थे यहाँ पे, अगर हम देखें तो शेयर एंड बॉन्ड्स थे, शेयर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक बार बॉन्ड्स को भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है बॉन्ड्स, तो इसे रीड करते हैं। बॉन्ड्स is a negotiable certificate evidencing indebtedness. It is normally unsecured. A debt security is generally issued by a company, municipality of government agency. A bond investor lends money to the issuer and in exchange the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date. The issuer usually pay the bondholder periodically interest payment over the life of the loan. The various type of bonds are as follow. तो पहले इसे समझ लेते हैं बॉन्ड्स क्या होता है, उसके बाद हम बॉन्ड्स के टाइप्स भी पढ़ लेंगे। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक हमारे एक नॉर्मली अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि इतने ज़्यादा सिक्योरिटी यानी इतने ज़्यादा सेफ नहीं होता है, थोड़े से क्या होता है, अनसिक्योर्ड होते हैं। और बॉन्ड्स वैसे जनरली हम होते क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं क्लास टेंथ की, तो आप वहां से भी मेरे चैनल से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और मैथ्स भी क्लास टेंथ की आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिया है बॉन्ड्स पर, कंटिन्यू करते हैं बैक टू द टॉपिक। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं, और क्या होते हैं, एक बॉन्ड्स जो हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेप्ट सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पे डेप्ट
इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो हमारी कंपनीज जो होती हैं जो इश्यू करती हैं, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि डेब्ट सिक्योरिटी इज जनरली इश्यूड बाय कंपनी, म्यूनसिपैलिटी और गवर्नमेंट एजेंसी। लेकिन इंडिया में जो सिक्योरिटीज हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड्स भी कहते हैं। हमने चैप्टर वन में पढ़ा है कि अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो वो हो जाते हैं बॉन्ड्स, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी इशू करेगी तो वो हो जाएंगे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। पर फिर भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अ बॉन्ड इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू द इशूअर, यानी कि जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, अपना पैसा किसको इन्वेस्ट करने के लिए देता है, इशूअर को, यानी कि जो इशू करता है बॉन्ड को उसे क्या देता है, पैसा देता है। कौन, जो हमारा इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर जो है वो पैसा देगा जिसने बॉन्ड इशू किया है। एंड इन एक्सचेंज द इशूअर प्रॉमिस टू रीपे द लोन अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, यानी कि जो हमारा बॉन्ड का इन्वेस्टर होता है वो इश्यूअर को पैसे देता है, और पैसे देने के बाद जो इश्यूअर है यानी कि जिसने बॉन्ड को इशू किया है, जिसने बॉन्ड को मार्केट में लाया है, वो इश्यूअर क्या करता है, वो इन्वेस्टर को प्रॉमिस करता है कि एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट पे, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट पे वो क्या करेगा, इश्यूअर इन्वेस्टर को उसका पैसा लौटा देगा। और कैसे लौटा देगा, जो भी अमाउंट है उस पर रिटर्न इंटरेस्ट पे करके, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा। ऐसा नहीं 1,00,000 दिया था तो 1,00,000 ही दे देगा एक टाइम के बाद। अगर 1,00,000 दिया है तो जितनी भी अमाउंट, जितना भी इंटरेस्ट रेट उस पर होगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे दे के इन्वेस्टर को वो स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट पे उसे पे कर देगा। कौन, इश्यूअर, यानी कि इश्यूअर को हमने पैसा दिया था, अब वो क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट हमारा जितने भी टाइम में बनता है, अगर 1 साल के लिए है तो 1 साल में हमारा उस पैसे पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट के साथ जो है इश्यूअर हमारा पैसा हमारे इन्वेस्टर को वापस कर देगा ऑन अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट पर। आगे हमें दे रखा है, द इश्यूअर यूजुअली पेज द बॉन्ड होल्डर पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ लोन, यानी कि जो इश्यूअर होता है, जो क्या करता है, बॉन्ड को इशू करता है, वो क्या करता है, अगर उसने पैसा हमसे लिया है तो वो क्या करेगा, पीरियोडिकली इंटरेस्ट भी हमें पे करेगा, तभी तो हमारा कुछ फायदा होगा। हम फ्री में थोड़ी ना अपना पैसा किसी को ऐसे ही दे देंगे। तो जो हमारा इश्यूअर होता है, जिसने बॉन्ड को इशू किया है, वो क्या करता है, इन्वेस्टर को पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि टाइम टू टाइम क्या करता है, अब उस अमाउंट में जितनी भी अमाउंट उसने हमने इश्यूअर को दिया है, उस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट पे करेगा, और परमानेंट ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, यानी कि परमानेंट ओवर द लाइफ ऑफ द लोन का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी टाइम तक हमारा पैसा उसके पास है, जितने भी जब तक की मैच्योरिटी डेट है, जब तक भी हमारा पैसा उसके पास है, जब तक क्या करेगा, इश्यूअर अपने इन्वेस्टर को पेमेंट करता रहेगा, पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट जो भी बन रहा है उसका वो उसे देगा। आगे हमें दे रखा है द वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर एज फॉलो, तो इसे भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें बॉन्ड दे रखा है, टाइप जो है हमारे बॉन्ड का, जीरो कूपन बॉन्ड, तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं। बॉन्ड इश्यू एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू, नो पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, द डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द रिटर्न टू द होल्डर, द बायर ऑफ दीज बॉन्ड्स रिसीव्स ओनली वन पेमेंट एट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि वो बॉन्ड जो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और रीपे जब करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू पे करते हैं। तो अभी समझ नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है यानी कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 10 रुपीज की, लेकिन अगर हम उसे इशू करेंगे तो इशू कितने पे करेंगे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने उसे इशू किया है 8 रुपीज पे, तो 2 रुपए हमने कम कर दिए, तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट हो गया। तो जब हमने इशू किया तो वो फेस वैल्यू से हमने क्या किया, डिस्काउंट पे इशू किया, और जब हम रीपे करेंगे यानी कि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसे मैच्योरिटी डेट पे हमें रीपे भी करना है, तो उसने इन्वेस्ट कितना किया, अपने 8 रुपए इन्वेस्ट किए, और जब हम उस इन्वेस्टर को रीपे करेंगे तो रीपे कितना करेंगे, जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी। तो यानी कि हमने जो भी इन्वेस्टर है उसने कितने रुपए में खरीदा हमारा बॉन्ड, 8 रुपए में, और जब उसे हमने एक मैच्योरिटी डेट पे उसका पैसा वापस किया तो हमने कितना किया, जो उसकी फेस वैल्यू थी। ये इन्वेस्टर को नहीं पता है कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए ही थी, लेकिन ये हमें तो पता है ना, जो इश्यूअर होगा, तो अगर इन्वेस्टर ने 8 रुपए लगाए हैं तो फ्यूचर में उसे 10 रुपए मिलेंगे, तो उसका तो प्रॉफिट ही है। लेकिन अगर हम इन रियलिटी देखें तो हमने बॉन्ड को डिस्काउंट में सेल किया था, और क्या किया, इन फ्यूचर में फेस वैल्यू पे उसे रीपे कर दिया। और जो हमारा देयर इज
नो पीरियोडिक इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा बॉन्ड्स, जो भी हमारी सिक्योरिटीज होती है उसमें क्या होता है, हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन जो हमारा जीरो कूपन बॉन्ड होता है उसमें हमें इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। और यहाँ पे क्या दे रखा है, द बायर ऑफ दीज बॉन्ड्स रिसीव्स ओनली वन पेमेंट। अगर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है तो मैच्योरिटी डेट तक अगर इन्वेस्टर को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा है, तो मैच्योरिटी डेट पर ही जो है हमें एक ही बार पेमेंट करी जाएगी। और मैच्योरिटी डेट पे हमारा जितना भी पैसा बन रहा होता है हमारे इंटरेस्ट के साथ, एक ही दिन हमें सारा का सारा पैसा दे देते हैं। ऐसा नहीं कि मंथली हमें इंटरेस्ट पे हो रहा है, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट जो भी अमाउंट हो रही है एकदम स्पेसिफिक डेट पे हमें टोटल अमाउंट हमें दे दी जाती है, कोई भी इंटरेस्ट हमें पे नहीं करता। तो यही होता है हमारे जीरो कूपन बॉन्ड। आगे हमें दिया है कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो इसे रीड कर लेते हैं। अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। यानी कि ये हमारे इस टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसे क्या देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं। उसके सामने एक ऑप्शन हम प्रेजेंट करते हैं कि अगर आप चाहो तो अपने इस बॉन्ड को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अपनी इक्विटी में। यानी कि हमने इन्वेस्ट तो किया है बॉन्ड में, लेकिन अगर आप चाहो तो हम इस बॉन्ड को कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, इक्विटी में चेंज कर सकते हैं। तो यही क्या हो जाता है, हमारा कन्वर्टेबल बॉन्ड हो जाता है। और इसी को क्या हम कहते हैं, कन्वर्जन प्राइस। यानी कि अगर कन्वर्जन प्राइस, सॉरी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इन्वेस्टर हाँ कर देता है कि हाँ मुझे बॉन्ड को इक्विटी में शेयर चेंज करना है, तो ऐसे ही तो नहीं कोई फ्री में कर देगा, पागल थोड़ी है कोई ऐसे बेकार में। तो वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस लेगा। यानी कि कन्वर्ट करा रहे हो तो वो हो जाएगा कन्वर्जन। तो अगर आप बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करा रहे हो तो उसका क्या लगेगा, पैसा लगेगा, पैसा। तो वो क्या आएगा, फिक्स्ड प्राइस पे, फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस होता है उनका, उस पे वो क्या कर देगा, आपके बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा इक्विटी में। तो ये हमारा कन्वर्टेबल बॉन्ड हो गया कंप्लीट। अब हमें दे रखा है यहाँ पे लास्ट टाइप, ट्रेजरी बिल्स। तो इसे भी पढ़ लेते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी वो। तो यहाँ रीड कर लेते हैं, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म्स अप टू वन ईयर। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म्स यानी कि एक साल के अंदर अंदर, एक 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 साल, 12 महीने, तो एक साल के अंदर अंदर होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। तो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बैरियर डिस्काउंट सिक्योरिटी इशूड बाय अ गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, हर किसी को इस दुनिया में पैसे की जरूरत पड़ती है, तभी क्या होता है, काम चलता है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो क्या करेगी, अगर उसे कम टाइम के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए अगर उसे क्या है, पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, डिस्काउंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। कौन, गवर्नमेंट इशू करती है डिस्काउंट सिक्योरिटीज को। किस लिए करती है, ताकि जो उनकी फाइनेंसिंग देयर कैश मैनेजमेंट। यानी कि अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो डिस्काउंट सिक्योरिटीज को इशू करेगी, ताकि उस इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और अगर उन्हें कैश मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, जिन भी चीजों में उन्हें इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट को जो भी काम करना है उसमें वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपना पैसे को यूज करके अपना काम कर सकती है। तो ये होते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.21, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो इसे भी क्या कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ हमें टॉपिक दिया है, व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटीज इन पर्टिकुलर। यानी कि हमें इक्विटीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हम और किसी में क्यों ना इन्वेस्ट करें, मतलब और सब में भी कर सकते हैं, बट इक्विटी में ही ज्यादा लोग प्रेफर क्यों करते हैं कि हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रीड कर लेते हैं, When you buy a share of a company, you become a shareholder in the company. यानी कि जब आप क्या करते हो, एक कंपनी के शेयर्स को आप खरीदते हो, तो आप क्या हो जाओगे, उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाओगे। शेयर आर ऑल्सो नोन एज इक्विटीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि वॉट इज द अनदर नेम ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का अनदर नेम, यानी कि शेयर्स का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विटीज। शेयर आर ऑल्सो नोन एज इक्विटीज। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटीज। शेयर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विटीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, इक्विटीज हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। रिसर्च स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट द इक्विटी रिटर्न्स हैव आउट परफॉर्म द रिटर्न ऑफ मोस्ट अदर फॉर्म्स। तो
तो आगे दिया है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, पर पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि जो अगर हम शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे, और शेयर्स को ही हम क्या कहते हैं, इक्विटीज भी कहते हैं। और इक्विटीज में इक्विटीज हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम, यानी कि इक्विटीज में क्या होता है, पोटेंशियल होता है, यानी कि इक्विटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें इतनी पावर होती है, इक्विटीज में इतना दम होता है कि अगर हम आज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इक्विटी में ही आपकी वैल्यू इंक्रीज हो, पर ज्यादातर इक्विटीज में क्या होता है, इन फ्यूचर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इक्विटीज में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि इन फ्यूचर वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और आगे हमें दे रखा है, रिसर्च स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट द इक्विटी रिटर्न्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द रिटर्न्स ऑफ मोस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म्स। इन्वेस्टर्स बाय इक्विटी शेयर्स और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स बिकॉज, यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसे भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है, इक्विटीज आर कंसीडर्ड द मोस्ट रिवॉर्डिंग व्हेन कंपनीज ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इफ हेल्ड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि जो इक्विटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होती है, वो मोस्ट रिवॉर्डिंग होती है, यानी कि इनमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इक्विटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होती है, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड हमें मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें क्या होता है, इक्विटीज में ही मिलता है। व्हेन कंपनीज टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इफ हेल्ड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, ज्यादा रिवॉर्ड यानी कि ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो इसलिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया है, रिसर्च स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट इन्वेस्टमेंट इज सम शेयर विद अ लॉन्गर tenure of investment have yielded far superior returns than any other investment. The average annual return of the stock market over the period of last 15 years, if one take the Nifty index as the benchmark to compute the returns, have been around 16%. तो यहाँ पे हमें दिया है कि जो हमारे रिसर्च अगर हम करते हैं, इन सब की भी क्या होती है, रिसर्च होती है, ऐसी कोई भी नहीं बता देता है। तो अगर रिसर्च अगर हम करते हैं इन सब के बारे में तो हमें पता चलता है, तो हमें क्या बोला है कि जब हमने रिसर्च करी है इन सब चीज़ों के बारे में तो पता चलता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सम शेयर्स में, यानी कि अगर हम शेयर्स में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स को ही हम इक्विटीज भी बोलते हैं, तो शेयर्स और इक्विटीज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में तो वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा सुपीरियर रिटर्न हमें, सिर्फ ज़्यादातर हमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस में मिलता है, अपने शेयर्स और इक्विटीज़ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हाई रिटर्न, सुपीरियर रिटर्न हमें किस में मिलता है, जब हम शेयर्स और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। द एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी कि एक एवरेज हमें बता रखा है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज रिटर्न हमें कितना मिलता है, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15 ईयर, यानी कि बीते हुए 15 सालों में, पिछले कुछ 15 सालों में अगर हम देखते हैं और रिसर्च करते हैं तो एवरेज एनुअल रिटर्न, यानी कि जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एवरेज रिटर्न कितना मिलता है, वो है हमारा अराउंड 16%, यानी कि ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और 16% का प्रॉफिट होता है। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ही बेनिफिट है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आगे दिया है, हाउएवर दिस डज नॉट मीन ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट वुड गारंटी सिमिलरली हाई रिटर्न्स। जैसे मैंने अभी कहा था कि जरूरी नहीं है हर इक्विटी में, हर शेयर में जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको ग्रेट परफॉर्मेंस ही मिलेगी, यानी कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार लॉस भी हो जाता है, अब कोई जानबूझ के लॉस करता नहीं है, बट हो जाता है तो इसमें कोई वो शॉकिंग बात नहीं है, लॉस और प्रॉफिट चलते रहते हैं। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो किसी इक्विटी और किसी शेयर में तो ये गारंटी नहीं दे देंगे आपको कि आपका प्रॉफिट ही होगा और आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको हाई रिटर्न्स ही मिलेंगे। आगे दिया है, इक्विटी आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो उसका रिस्क भी उतना बड़ा ही होगा। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क भी क्या होगा, हाई होगा। तो इक्विटीज़ आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होती हैं, काफ़ी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती हैं, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है
तो हमें रिस्क भी लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी नहीं लेना चाहते। अगर प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपका लॉस होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए क्या होता है काफ़ी हाई रिस्क होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि ये क्या होती है काफ़ी हाई रिस्क होता है, इनमें ज़्यादातर क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जो हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, हर कोई नहीं झेल सकता। थ्रो हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिटर्न्स। अब देखो कितनी अच्छी लाइन कह दी इन्होंने कि थ्रो हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिटर्न, यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ही रिटर्न होगा। यानी कि अगर अगर रिस्क ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, तो उसका जो उसका रिटर्न है यानी कि जो भी आपको मिलेगा वो भी क्या होगा ज़्यादा ही होगा। अगर आप ज़्यादा खतरा मोल लोगे तो आपको रिटर्न भी क्या होगा ज़्यादा ही मिलेगा। हाई रिस्क ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द इन्वेस्टर स्टैंड्स टू लूज सम और ऑल हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इफ प्राइस मूव अनफोरेबली। वन नीड टू स्टडी इक्विटी मार्केट एंड स्टॉक इन विच इन्वेस्टमेंट आर बींग केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कि अगर हाई रिस्क होगा तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो सकता है, जो भी इन्वेस्ट करता है अगर उसके वो हाई रिस्क फेस करेगा तो अगर उसका लॉस होता है तो वो अपना कुछ पैसा अपना कुछ पैसा लॉस कर सकता है या फिर ऑल हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि जितना भी पैसा है सारा का सारा भी डूब सकता है और या फिर थोड़ा बहुत भी डूब सकता है अगर उसका लॉस होता है तो। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, उसके सब कुछ बच जाएगा उसके लिए। जब भी हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं अपने इक्विटी मार्केट में, तो हमें जो है हमें सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, सारी केयरफुली सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए सारी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे मैंने रखा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वट हैज़ बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज़ इन इंडिया, यानी कि जो हमारी इक्विटीज़ हैं उनका एवरेज रिटर्न कितना होता है। इफ़ वी टेक द निफ्टी इंडेक्स रिटर्न फॉर द पास्ट 15 ईयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ रिटर्न अबाउट 16%। यानी कि अगर हम क्या लेते हैं निफ्टी इंडेक्स रिटर्न लेते हैं, यानी कि निफ्टी इंडेक्स का अगर हम डेटा देखें और उसमें पिछले 15 सालों का डेटा देखें तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें कितना रिटर्न हुआ है 16%। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे देखो अराउंड 16%। तो जब हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो पिछले 15 सालों में कितना हमें एवरेज जो रिटर्न मिला है वो कितना है 16% का एवरेज रिटर्न हमें यहाँ पे मिला है। टू इन्वेस्टर्स और एन एवरेज इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस और कैपिटल एप्रिसिएशन एनुअली, यानी कि पूरे साल भर का अगर हम देखते हैं तो एवरेज अमाउंट हमें कितनी मिलती है 16% का हमें बेनिफिट होता है पिछले 15 सालों में। तो बिसाइड दैट ऑन एवरेज स्टॉक हैव पेड 1.5% डिविडेंड एनुअली। डिविडेंड इज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर दैट अ कंपनी रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर फ्रॉम इट्स एनुअल प्रॉफिट्स। कंपेयर टू मोस्ट अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफर द हाई रेट ऑफ रिटर्न इफ इन्वेस्टेड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहाँ पे बोला है डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर दैट अ कंपनी रिटर्न टू द शेयर होल्डर फ्रॉम इट्स एनुअली प्रॉफिट्स। यानी कि डिविडेंड जो हमारी अमाउंट है वो क्या होती है, वो जो हमारी फेस वैल्यू है जो भी हमारी सिक्योरिटी है उसकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि हम शेयर और इक्विटी एक ही बात होती है ना, तो जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो जो उसकी फेस वैल्यू होगी उसकी परसेंटेज जो होती है जो कंपनी क्या करती है अपने इन्वेस्टर अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करती है वही क्या होता है हमारा डिविडेंड होता है। तो अगर हम कंपेयर करें कंपेयर टू मोस्ट अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने भी फॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट की हमारे बॉन्ड्स डिबेंचर्स और स्टॉक्स बोल रही हूँ मैं स्क्रिप्ट्स, यानी कि जितने भी हमारी फॉर्म है इन्वेस्टमेंट में यानी कि फिजिकल असेट्स जो हमारे फिजिकल असेट्स भी अगर हम देखते हैं तो इन सब से हटा के अगर हम देखें तो इक्विटीज़ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमारे लिए होता है। तो अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑफर द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न इफ इन्वेस्टेड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म्स हैं उनको हटाकर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स देखें, यानी कि अगर हम किसी की कंपनी की इक्विटीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होती है हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली
फॉर्म कौन सी है इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी शेयर्स, अगर हम क्या करते हैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हमारा न्यू टॉपिक है, यहाँ पे हमें दे रखा है विच आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ स्टॉक, यानी कि जो भी हमारे स्टॉक के जो प्राइजेस होते हैं वो कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जो हमारे प्राइस ऑफ स्टॉक है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें अपना रोल निभाते हैं। तो ब्रॉडली देर आर टू फैक्टर्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कितने फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट और विच इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ स्टॉक्स, तो आपको बताना है टू फैक्टर्स। और नाम पूछे तो ये रहे उनके नाम, स्टॉक स्पेसिफिक एंड मार्केट स्पेसिफिक। तो इसे रीड कर लेते हैं। द स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स इज रिलेटेड टू पीपल्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द कंपनी, इट्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट, लेवल ऑफ टेक्निक एंड मार्केटिंग स्किल्स। यानी कि जो हमारा स्टॉक स्पेसिफिक जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, वो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें क्या होता है पीपल्स को, यानी कि लोगों को पहले से ही क्या होती है एक्सपेक्टेशन होती है, पहले से ही उम्मीदें होती हैं उस कंपनी से कि इसकी जो फ्यूचर अर्निंग होगी इस कंपनी में, इस कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग होगी यानी कि इस कंपनी में जितना भी आगे चल के प्रॉफिट होगा, जो भी ये कंपनी आगे चल के कमाएगी वो काफ़ी अच्छा होगा, फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट भी इसकी अच्छी होगी, और लेवल ऑफ टेक्निक एंड मार्केटिंग स्किल्स भी इसकी बेहतर होती रहेंगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी एप्पल की कंपनी है जो आईफोन्स बनाती है, तो अगर वो नया फ़ोन लाती है तो जब उसकी बात चल रही होती है, जैसे अब आईफोन 13 आ गया लेकिन अब आईफोन 14 भी तो बनेगा ना, तो लोगों को पहले से ही पता है कि आईफोन जब 14 आएगा तो वो कुछ बेहतर ही आएगा आईफोन 13 से और उसके पुराने वाले सेक्शंस, यानी कि पुराने वाले जो उसके वर्जन्स हैं उनसे अच्छा ही आएगा आईफोन 14। तो लोगों को पहले से ही क्या है उस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जो कंपनी है उसकी जो आगे चल के कमाई होगी वो बहुत अच्छी होगी, फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट भी एप्पल की कंपनी की अच्छी रहेगी, यानी कि उस एप्पल की कंपनी बहुत पैसा कमाएगी, अच्छा फाइनेंशियल होगा, फाइनेंशियल स्टेटस होगा, और क्या होगा लेवल ऑफ टेक्निक एंड मार्केटिंग स्किल्स, यानी कि जो भी कंपनी है उसकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि उस कंपनी की टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग स्किल्स, यानी कि किस तरह से हम अपनी कंपनी में किस तरह से हम अपनी कंपनी को, कंपनी की प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने का तरीका हमारा कैसा है, यानी कि हम कितने सही तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम लोगों तक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये सारी जो है ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की किसी एक कंपनी से रिलेटेड। अगर वो कंपनी पहले से ही क्या है अच्छा काम करती है तो वो होता है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक, यानी कि हमारे पहले से ही लोगों की एक्सपेक्टेशन उस कंपनी से जुड़ी हुई है तो वो होता है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक। आगे सेकंड पॉइंट हमें दिया है मार्केट स्पेसिफिक, तो ऐसे भी यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स टुवर्ड द स्टॉक मार्केट एज अ होल। दीज फैक्टर डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, इवन फेवरेबल टू एन इकोनॉमी, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट लाइक हाई इनकम ग्रोथ, फ्रेंडली बजट, स्टेबल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। द मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स टुवर्ड द स्टॉक मार्केट एज अ होल, यानी कि जो हमारे स्टॉक स्पेसिफिक में क्या था कि लोगों के सेंटीमेंट्स, लोगों की एक्सपेक्टेशन एक कंपनी से जुड़ी हुई थी कि ये कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, ये कंपनी में प्रॉफिट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट से ही रिलेटेड एक्सपेक्टेशन हो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो जाए, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार कंपनी को प्रॉफिट ही हो। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो एक कंपनी से होती है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड, तो वो होती है स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं कहेंगे, लोगों की सेंटीमेंट्स अगर हम कहें, तो अगर लोगों की जो थॉट्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं, वो क्या है टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की तरफ ही अगर हम इन्फ्लुएंस्ड करते हैं तो वो क्या हो जाती है मार्केट स्पेसिफिक। यानी कि इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं करते, लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्टॉक मार्केट जो है उसी की पूरी बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा हमारा या लॉस होगा, स्टॉक मार्केट अप्स में चल रही है या डाउन में चल रही है, स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे, तो ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जब लोगों क्या क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपने सेंटीमेंट्स, अपने थॉट्स बनाते हैं, तो वो हो जाते हैं मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर। तो दिस फैक्टर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी,
यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी से नहीं, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट यानी कि हमारे स्टॉक मार्केट से, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट यानी कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो हमारे थॉट्स होते हैं, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होता है हमारा मार्केट स्पेसिफिक। इवेंट्स फेवरेबल टू एन इकोनॉमी पॉलिटिकल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट लाइक हाईली, यानी कि जब हम, देखो मैं समझाती हूँ अभी कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कब इन्वेस्ट करेंगे, हम तब इन्वेस्ट करेंगे ना कि जब इकोनॉमिकली क्या हो, बहुत सब कुछ अच्छा हो, यानी कि काफ़ी हाई प्राइसेस हो हमारी सिक्योरिटीज़ के। पॉलिटिकली और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा नहीं देश में ही दंगे चल रहे हैं और आप अपना सिक्योरिटी कमाने में लग रहे हैं, ऐसा नहीं। जब अगर देश में कुछ परेशानी चल रही होगी पॉलिटिकली तो सारी चीज़ों में क्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए अगर सब कुछ इकोनॉमिकली भी देश में और पॉलिटिकली भी देश में सब कुछ सही चलता है तो सब क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो इसी तरह अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अगर कंट्री में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि जो देश का जो पैसा है, देश का जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो होगी, तो क्या होगा, हमारा एक अच्छा और फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी कि हम क्या करें, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। फ्रेंडली बजट, स्टेबल गवर्नमेंट एक्सेट्रा कैन फ्यूल यूफोरिया इन द इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारे पास भी एक अच्छा खासा बजट है और सरकार भी क्या है, स्टेबल है, सब कुछ पॉलिटिकली क्या है, स्टेबल है, देश में कोई भी परेशानी नहीं है, तो क्या होगा, हम जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है तो सारी चीजें क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई है पूरी पूरे वर्ल्ड में। तो अगर अभी कोई हमसे कहेगा कि इन्वेस्ट कर दो तो हमें भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा सारा का सारा पैसा है डूब जाए। तो अगर इकोनॉमी अच्छे से वर्क करेगी तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टर्स में क्या एक यूफोरिया आ जाता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को भी एक विश्वास आ जाता है कि उनका पैसा सही से इन्वेस्ट हो जाएगा और उन्हें शायद प्रॉफिट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, अनफेवरेबल इवेंट्स लाइक वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, कम्युनियल राइट्स, मिनोरिटी गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा डिप्रेस द मार्केट इररिस्पेक्टिव और सर्टेन कंपनीज परफॉर्मिंग वेल, यानी कि अगर देखो मैंने, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, फ्रेंडली बजट है, स्टेट भी गवर्नमेंट भी स्टेबल है तो सारी कंडीशन अच्छी है, लेकिन अगर यही अगर देश में लड़ाई चल रही है, तो अगर देश में लड़ाई होगी तो सीधी सीधी सी बात है कि देश का इकोनॉमी में परेशानी आएगी, सब पूरे देश में परेशानी हो सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली क्राइसिस चलते हैं, अगर पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है तो भी परेशानी है। कम्युनियल राइट्स, यानी कि कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स मतलब दंगे, तो अगर एक कम्युनिटी को लेकर दंगे हो जाते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाते हैं, तब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और मिनोरिटी गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी मेजॉरिटी में नहीं है, कम लोगों की जो गवर्नमेंट है, अगर वो कोई परेशानी खड़ी करती है तो भी क्या होता है, पूरे कंट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, अगर तब हम उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, लॉस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है, मार्केट में डिप्रेशन देखने के मिलता है, यानी कि मार्केट में सारी चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। भले ही कोई एक आधी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर किसी को प्रॉफिट ही होगा, तो इसलिए क्या होता है, इसमें ना लॉस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर ये सारी चीजें होंगी, वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, कम्युनल राइट्स, तो क्या होता है, परेशानी रहती है और लोग इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतराते हैं। तो आगे हम देखते हैं, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स जनरली शॉर्ट टर्म्स, लेकिन जो हमारे मार्केट स्पेसिफिक के फैक्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दंगे हो रहे हैं या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या फिर वॉर हो रही है तो कितने टाइम के लिए रह लेगी, ऐसा तो है नहीं ना कि पूरी जिंदगी भर ही चलता रहेगा सब कुछ, एक टाइम के बाद तो खत्म हो ही जाएगा। तो ये सब क्या होता है, जो मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो डिस्पाइट अप एंड डाउन, प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज लॉन्ग रन गेट स्टेबलाइज बेस्ड ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स, देयर आर प्रूडेंट एडवाइस ऑल इन्वेस्टर इज टू एनालाइज एंड इन्वेस्ट नॉट स्पेक्टिकली इन शेयर्स, यानी कि बिसाइड, यानी कि डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, यानी कि ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा स्टॉक स्पेसिफिक है वो क्या होता है, एक हमारा मेजर सोर्स है, यानी कि हम जो हमारे मार्केट स्पेसिफिक है वो तो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि अगर कुछ परेशानी है तो वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक है किसी कंपनी से रिलेटेड लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि आज है कल बदल जाएंगे सारे ख्याल, लोगों के ख्याल तो उस कंपनी से रिलेटेड वैसे ही रहते ना। तो अगर अप एंड डाउन चल रहे हैं मार्केट में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाता है,
और लोग अपना स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, इस पेज का लास्ट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज मेंट बाय टर्म ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक से आपको क्या समझ में आता है, तो यहाँ पढ़ते हैं ग्रोथ स्टॉक। इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वी कम अक्रॉस द टर्म सच एज गोल्ड स्टॉक, वैल्यू स्टॉक एक्सेट्रा। द कंपनीज हुज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग आर एक्सीलेंट, द ग्रोइंग फास्टर देन अनदर कंपनी इन द मार्केट और अदर स्टॉक्स इन द सेम इंडस्ट्री आर कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक। दीज कंपनी यूजली पे लिटल और नो डिविडेंड एंड इंस्टेड प्रेफर आर रिवेन्यूस्ड देयर प्रॉफिट इन देयर बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। यानी कि जो ग्रोथ स्टॉक होती है वो क्या होती है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ जल्दी जल्दी हो रही है, यानी कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है, फायदा नजर आ रहा है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स जो है, हमारी चीजें जो है वो पसंद आ रही हैं, तो क्या होता है वो कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी होती है, यानी कि वो कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाती है। तो अगर कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी तो उसकी सेल्स भी अच्छी होंगी, उसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होंगी। अगर कोई कंपनी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, उसके लोगों उस कंपनी को पसंद करेंगे तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल एप्पल की कंपनी है तो लोगों को एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी लगती हैं, तो एप्पल्स की सेल्स भी ज़्यादा होती हैं। लोगों को अगर वो ज़्यादा लोग एप्पल का सामान खरीदते हैं तो एप्पल की कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसकी ज़्यादा अर्निंग होगी, अच्छी एक्सीलेंट अर्निंग होगी, और एप्पल की कंपनी क्या होगी, जल्दी ग्रोइंग फास्टर, यानी कि जल्दी जल्दी। ज़रूरी नहीं एप्पल की कंपनी, कोई भी कंपनी अगर अच्छे से इन्वेस्ट करती, मतलब अगर लोगों को उस कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो वो क्या होता है, वो कंपनी जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देती है। और ऐसी जो कंपनी होती है फिर उन्हें ज्यादातर वो बहुत कम पे करती हैं, इन द सेंस कि उन्हें बार बार पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर उनका वो सब कुछ, उनका सब कुछ प्रॉफिट में चल रहा है तो वो बहुत ही कम पे करती हैं और क्या करती हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट अपना कमाती हैं। तो ये वाला होती है हमारा, ये हो गया हमारा ग्रोथ स्टॉक। तो अब हम नेक्स्ट पेज से अपना वैल्यू स्टॉक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है वैल्यू स्टॉक, यानी कि वैल्यू स्टॉक से आपको क्या समझ में आता है, तो ग्रोथ स्टॉक तो आपको आया समझ में आएगा। ग्रोथ स्टॉक में हमारी कंपनी की ग्रोथ खुद ब खुद लोगों की वजह से होती है, क्योंकि लोगों को अगर प्रोडक्ट पसंद आएगा तो लोग उसी से खरीदेंगे, उसी कंपनी से खरीदेंगे, तो उस कंपनी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन वैल्यू स्टॉक में क्या होता है, वैल्यू स्टॉक हमारी एक ऐसी, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, बार बार ही रीड करने से आप क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको वर्बली समझा दे रही हूँ कि वैल्यू स्टॉक में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट की ही वैल्यू कम कर देते हैं ताकि लोग उसे खरीदने के लायक हो जाए, लायक इन द सेंस कि लोग उसे खरीदना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ आपको 10,000 में मिल रही है तो अगर आप उसे 10,000 में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो अगर उसी प्रोडक्ट के दाम कम होकर क्या हो जाए, 5,000 हो जाए, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जल्दी से जाके उसे खरीद लेंगे ताकि क्या हो, लोगों को भी एक बार के लिए एहसास हो जाए कि ये तब तो इसका प्राइस इतना था पर अब इसकी वैल्यू कम हो गई है तो अब हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसकी जो भी हमारा प्रोडक्ट है अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको 10 रुपये का पेन मिल रहा है और वही पेन अगर आपको कहीं पे 5 रुपये का मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अपना 5 रुपये लोगे और दूसरी जगह पे जाओगे ताकि आपको कम प्राइस में वही चीज डिट्टो मिल जाए। तो इसी तरह से ग्रोथ में तो क्या होता है, हमारी खुद ब खुद ग्रोथ हो रही है, लेकिन वैल्यू स्टॉक में हम अपना जानबूझकर ग्रोथ करवा रहे हैं। अगर हम वैल्यू कम कर देंगे किसी भी चीज की तो खुद ब खुद उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लग जाएगा, यानी कि ज्यादा लोग उसे प्रेफर करेंगे क्योंकि वो सस्ता हो जाता है। तो वैल्यू स्टॉक में क्या होता है, हम वैल्यू कम करते हैं अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हम खुद ब खुद कम करेंगे, लेकिन ग्रोथ स्टॉक में उसकी वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज होती है और लोग उसे प्रेफर करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, वैल्यू स्टॉक होता है। आगे हमें दे रखा है इस वीडियो का हम अपना लास्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर्स। तो इस वीडियो के बाद, इस टॉपिक के बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, समझ नहीं आया तो रिप्ले कर लेना, बट मैं अभी लास्ट टॉपिक अपना कवर कर लेते हैं, हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ हमें दिया है यू मे सब्सक्राइब टू इशू, देखो सब्सक्राइब हो रहा है तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, मैथ भी मेरे चैनल से पढ़ लेना और FMM तो मैं आपको कंटिन्यू करा ही रही हूँ। तो यू मे सब्सक्राइब टू इशू मेड बाय कॉर्पोरेट्स इन द प्राइमरी मार्केट। इन द प्राइमरी मार्केट रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड बाय द कॉर्पोरेट्स थ्रू फ्रेश पब्लिक इशू IPOs और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स अल्टरनेटली
यू मे परचेज शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी। यू शुड अप्रोच अ सेबी रजिस्ट्रेशन ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको क्या करना है, सिक्योरिटीज में यानी कि आपको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी शेयर्स में आपको क्या करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको तो नहीं पता, तो आप क्या करोगे? सबसे आसान तरीका होता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर आपको उठाना है, यानी कि इंटरमीडियरी की आपको हेल्प लेनी है। तो जो भी हमारा सेबी रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं कोई भी आपने ब्रोकर उठा लिया, जो एक रजिस्टर्ड और एक ऑथोराइज्ड ब्रोकर है, उसकी क्या लेनी है, आपको हेल्प लेनी है। और आप क्या करोगे, उस ब्रोकर की हेल्प से उससे बात करोगे और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जानोगे उस इन्वेस्टमेंट के टूवर्ड्स, और उस ब्रोकर से आप अपनी बातें कह सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि मैं किस तरह से इनमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आपका जो ब्रोकर होगा, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, वो आपको सब कुछ समझा देगा और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा सब कुछ, सारे टॉपिक्स इस पार्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।